दिस इज हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल और आज की वीडियो में हम फ्लावर बास्केट बनाएंगे। पॉइंट तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। मायसेल्फ हिमानी शर्मा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पर हम जो एक फ्लावर बास्केट बनाने वाले हैं उसके लिए एक शीट ली है जिसके चारों तरफ हमने बॉर्डर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। अब स्केल की हेल्प लेते हुए पहले हम मार्जिन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले बेस लाइन ले रहे हैं 6 इंचेस की। यहाँ पर हमने 6 इंचेस की लाइन ड्रॉ की है और सेंटर में 3 इंचेस पर पॉइंट लगाएंगे और नीचे 3 इंचेस की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और सबसे नीचे के पार्ट पे 1/2 इंचेस का मार्क करना है। उस 1/2 इंचेस के मार्क पे 3 इंचेस की लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी दोनों 3 इंचेस की बेस लाइन ड्रॉ हो गई है। टॉप वाले पार्ट पर हम 1/2 इंचेस का मार्क और करेंगे ऊपर की तरफ और अब हमें इससे एक ओवर शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो जो हमने 6 इंचेस की लाइन ड्रॉ की थी उससे हम पॉइंट मिलाते हुए ओवर शेप को ड्रॉ कर लेते हैं और अब हम साइड्स की भी स्केचिंग कर लेंगे। इसके हमने पॉइंट्स मिला लिए हैं, शेप दे दी है थोड़ा सा नीचे वाली लाइन को कर्व करते हुए और हमने बॉटम लाइन को मिलाते हुए अपना बेस रेडी कर लिया है। सेंटर पॉइंट से ऊपर 5 इंचेस पर मार्क करना है और अब हमें अपने बास्केट का हैंडल उस 5 इंचेस तक ड्रॉ कर लेना है। बास्केट की ड्रॉइंग हमारी कम्प्लीट हो गई है। जितने भी मार्जिन लाइन थे उनको हम इरेज कर लेंगे और ओवल शेप के अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी ग्रास और फ्लावर्स की स्केचिंग कर लेंगे। इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहता है। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल रेगुलर वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ एक क्लिक करना है और मेरे लिए आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी लाइक्स और सब्सक्राइब जब मेरे इंक्रीज होते हैं ना तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब हमारी स्केचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पर हैंडल पर एक बो को भी ड्रॉ कर लिया है। बो के पीछे से जो हैंडल की लाइन्स आ रही हैं उसको इरेज कर लेंगे और जो हमारा बास्केट एरिया है उस पर थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए हमने लाइन्स को ड्रॉ किया है। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम अपनी पूरी स्केचिंग की ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइनिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ आउटलाइनिंग के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो जहाँ हम जो कलर यूज कर रहे हैं उसी के स्केच पेन से भी आउटलाइन कर सकते हैं, या आप वाटर कलर का यूज करना चाहते हैं तो आप वाटर कलर से भी आउटलाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पेंसिल को इरेज कर लेंगे और अब स्टार्ट करते हैं कलरिंग। तो यहाँ पर मैंने वाटर कलर ब्रश पेन का यूज किया है। येलो कलर फिल करके हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर से थोड़ी सी शेडिंग दी है। एक चीज है कि यहाँ पर मैंने वाटर कलर ब्रश पेन का यूज किया है, पर आप क्रेयॉन कलर का भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर का भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर का, स्केच पेन का, वाटर कलर का, कोई सी भी कलर का आप यूज कर सकते हैं जो आप चाहें। कलरफुल फ्लावर्स बनाइए, अलग अलग कलर्स को आप यूज करिए इसके अंदर। मेरे को जो कलर अच्छे लगते हैं मैंने यहाँ पर वो यूज किए हैं। तो यहाँ पर पिंक के ऊपर पर्पल कलर का शेड कर रहे हैं और दूसरे वाले फ्लावर पर हमने पिंक पर रेड कलर का यूज किया था। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज किया है और उसी से ही थोड़ी सी डार्कनेस दी है जो हमें डेप्थ दिखानी थी नीचे वाले पार्ट पर। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो कलर से शेड करते हुए हमने जितना भी ग्रीन एरिया बनाया है, जितनी भी ग्रास है, लीफ है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आने के लिए स्पेशली आपको वहां पर ऑलमोस्ट सभी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे आपको सुराही, जग, बकेट, फ्रूट बास्केट, बुक ड्राइंग, अम्ब्रेला ड्राइंग, मतलब जो भी ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आने वाले कंटेंट हैं
वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप मेमोरी ड्राइंग में जरूर चेक कीजिएगा। इससे अलग आप लैंडस्केप भी देख सकते हैं, या आप आलेखन बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वो में हमने यहाँ पर रेड कलर का और ऑरेंज कलर का यूज किया है। रेड और ऑरेंज कलर की मिक्सिंग करते हुए हम वो को कम्प्लीट कर लेंगे। और ये पार्ट कम्प्लीट करने के बाद जो हमने बास्केट बनाई है उसके लिए हम ब्राउन और येलो कलर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ बेस में मैंने थोड़ा सा डिजाइन दिखाने के लिए, डेप्थ के लिए ब्राउन कलर का यूज किया है। और इसके ऊपर पूरी बास्केट में पहले हम येलो कलर को फिल कर लेंगे। और उसके साइड से हम रेड और ऑरेंज कलर का यूज करते हुए इसमें शेडिंग देंगे। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। बहुत कलरफुल लगती है हमारी ये फ्लावर बास्केट। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, एग्जाम में आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ज्यादातर फ्लावर बास्केट या फ्रूट बास्केट जरूर आती है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ हमने ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है अपनी बास्केट का। नीचे वाले पार्ट के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। येलो कलर साइड से रेड कलर और ऑरेंज कलर के साथ मिक्सिंग कर लेंगे। बीच वाले पार्ट को फिर से येलो से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो डेप्थ हम दिखाना चाहते थे साइड्स में वो आ गई है। इस तरह से ही हम सबसे नीचे वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा बॉटम लाइन है। अभी तक का प्रोसेस आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्लावर बास्केट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये फ्लावर बास्केट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और मैं आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। आपके लिए ये कंटेंट अगर जरा सभी यूजफुल लगा हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।